सरकार में इनके बातों को रखेंगे और रखेंगे तो स्पष्ट तरीके से, केवल हम ही नहीं रखेंगे, मेरा फितरत में नहीं है जो फोटो खिंचा कर जो है कहीं चला आना। देखिए अब कहाँ से इनको कब आश्वासन मिला उस बात पर मत जाइए। जब हम विधायक बने 2020 में तो 2021 में विधानसभा में पूरे बिहार के चौकीदारों के लिए मैं ही आवाज़ उठाया था, और आपको मालूम है जो उसी मुद्दा के लेकर भी बाद के पीरियड में विधानसभा में कुर्सी भी टूटी थी और दो दिन के लिए मुझे पूरे बिहार विधानसभा में निष्कासित भी किया गया था। मैं इनका प्रतिनिधि मंडल टीम बना दिया हूँ, इनका संघ का जो नेता है, ये संघ के नेताओं के साथ माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के साथ, ये हमारे नेता हैं, उनके साथ बैठक करा के जो भी वैधानिक तरीके से सकारात्मक होगा उस बातों को इनके साथ रखा जाएगा और इनके मांगों पर निश्चित रूप से विचार हम लोग करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए लगातार हम आपको चौकीदार संघ का जो मुद्दा है उसकी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चौकीदार संघ जो है वो बीजेपी के विधायक और एसटीएससी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुँचे हुए थे। बड़ी बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आया है हम विधायक जी से बात करेंगे। सर एक बार फिर से स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, चैनल को भी। बड़ी बैठक हुई है सर, चौकीदार संघ जो है आपसे मुलाकात आज करने आए हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं या किस तरीके से इनके मुद्दे को आप लेकर सीएम तक पहुंचेंगे? देखिए चौकीदार संघ और दफेदार संघ, चौकीदार संघ का जो है बड़ी गंभीर विषय है और वाजिब विषय है इनका, क्योंकि एक तो परंपरागत पेशा से भी लगा है, उस पेशा के अलावा दूसरा काम भी इनके पास में नहीं, दूसरा काम इनसे होगा भी नहीं, और बहुत कम वेतनपन ये चौकीदार जो पूरे बिहार का है इस समाज को सेवा और सुरक्षा देने का काम किया है और एक ईमानदारी पूर्वक किया है। सरकार के जो गाइडलाइन है उसके प्रावधान के अनुसार ही, जो 2014 का गाइडलाइन सरकार का है, जो भाई जो चौकीदार सेवा पीरियड में है उनके परिजनों को मृत्यु होता है तो अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी मिले। फिर एक स्वेच्छा से जो VRS जो है उसको रिटायरमेंट का मामला है, जो भाई सरकार ने ही प्रावधान किया था, जो जिनकी उम्र 20 वर्ष नौकरी करते हुए अधिक हो गई तो VRS ले सकते हैं, उनके परिजन को जो है नौकरी अपने आश्रितों को दे सकते हैं। ये सब मुख्यतः इनका मांग है, यह मांग जायज है और पूरे बिहार के जो चौकीदार है ईमानदारी पूर्वक यह सेवा किया है, इस राज्य को सेवा किया है, अपने लोगों को सेवा किया है, समाज के लोगों को सुरक्षा दिया है, तो जो मांग है इनके मांग का इसी विषय पर मैंने बैठक किया है, इनके विषय को मैं सुना हूँ और सरकार के स्तर पर हम इस पर बात करेंगे। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम बात करके सरकार में इनके बातों को रखेंगे और रखेंगे तो स्पष्ट तरीके से, केवल हम ही नहीं रखेंगे, मेरा फितरत में नहीं है जो फोटो खिंचा कर जो है कहीं चला आना। मैं इनका प्रतिनिधि मंडल टीम बना दिया हूँ, इनका संघ का जो नेता है, ये संघ के नेताओं के साथ माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के साथ, ये हमारे नेता हैं, उनके साथ बैठक करा के जो भी वैधानिक तरीके से सकारात्मक होगा उस बातों को इनके साथ रखा जाएगा और इनके मांगों पर निश्चित रूप से विचार हम लोग करेंगे जो होने वाला होगा उस मांगों पर, और निश्चित रूप से इनका मांग जो है उसके मांग के साथ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम इनके मांगों के साथ खड़ा हैं और इनके मांगों के इनके फरियाद के साथ मैं भी फरियाद करूंगा। लेकिन सर लंबा संघर्ष है, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, चाहे चिराग पासवान की ओर से मिले या उनकी पार्टी की ओर से मिले या पशुपति पारस जी की ओर से मिले, कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? देखिए अब कहाँ से इनको कब आश्वासन मिला जी। उस बात पर मत जाइए। जब हम विधायक बने 2020 में तो 2021 में विधानसभा में पूरे बिहार के चौकीदारों के लिए मैं ही आवाज़ उठाया था, और आपको मालूम है जो उसी मुद्दा के लेकर भी बाद के पीरियड में विधानसभा में कुर्सी भी टूटी थी और दो दिन के लिए मुझे पूरे बिहार विधानसभा में निष्कासित भी किया गया था, है जानकारी कि नहीं जानकारी? तो हम तो इनको मांगों के रखा था उस समय भी, अभी उसके लंबे पीरियड के जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं आज मेरे यहाँ भाजपा कार्यालय में आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्व में तो आए नहीं, आज मेरे यहाँ आए हैं, अपनी बात को फरियाद के रखा है इन्होंने, तो आज से ही हम लोग त्वरित कार्रवाई इनके मांग पर करेंगे। पहले ही कहाँ गए, किनके यहाँ गए वो तो हमको जानकारी है नहीं, ये लोग बताएंगे अपना, लेकिन आज मेरे यहाँ आए हैं और इन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जन समस्या आप देख रहे हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा
यह हुआ है कि जितने भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, जो भाजपा कोटा से खासकर मंत्री है, वो प्रत्येक दिन किसी न किसी दिन कोई भी माननीय मंत्री जरूर भाजपा कार्यालय में रहेंगे और बिहार से आए हुए आम जन समस्या को सुनेंगे और उसका त्वरित निष्पादन होगा। केवल सुनेंगे भी नहीं, उसका निष्पादन भी होगा। ऐसा आदेश है, उसी तहत आज भी आपको खेल मंत्री से लेकर कई मंत्री आज भाजपा कार्यालय में थे और ये लोग भी अपने फरियाद के लेकर आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है, सबका साथ सबका विकास माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है और इसलिए ये लोग जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सबका लाभ इनको मिल रहा है। लेकिन जो अभी इनका मांग है उस मांग के लेकर ही भाजपा कार्यालय में आज नहीं इन्होंने रखा है, अपने फरियाद को रखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हम लोग जहाँ कार्यालय में आ गए फरियाद के लेकर ही, तो ये लेकर बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सरकार में मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करके इनकी टीम के साथ बात करा के समस्या का समाधान करने के भरपूर कोशिश करूंगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर, और कौन सा दिन होगा जब आप इन लोगों को ले जाएंगे उप मुख्यमंत्री या सीएम? निश्चित रूप से आगे का जो दिन है वह दिन में ज्यों ही मुख्यमंत्री जी से या सरकार स्तर से हम बहुत जल्दी पहल करेंगे और ज्यों ही उनसे बात हो जाएगी त्यों उसी बस जस्ट इनको हम बुला लेंगे। अभी आपने देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है आरक्षण के अंदर आरक्षण का, उससे पूरे बिहार ही नहीं देश के दलित समाज आघात है और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम हम लोगों ने निर्णय लिया है जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके माननीय उप मुख्यमंत्री से बात करके हम लोगों ने निर्णय लिया है जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा और दलित समाज पूरे बिहार भाजपा परिवार दलित समाज के साथ खड़ा है। देखिए लखिंदर पासवान जी थे, आप इन्हें सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो हैं एक साथ मिलके इनकी पार्टी की जो प्रॉब्लम है जो दिक्कत है उसे रखने का काम करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम के पास में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।